और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यामाहा R125 के बारे में। हालांकि ये बाइक यूरोपियन कंट्री में एक साल पहले ही लॉन्च हो चुकी है और इस बाइक का परफॉर्मेंस भी वहां पर काफ़ी अच्छा चल रहा है। और दोस्तों, इंडिया में ये बाइक अप्रैल 2020 तक आ सकती है और इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस रखा गया है वो है 1,25,000 एक्स शोरूम। अब दोस्तों, दो कारणों की वजह से ये बाइक इंडिया में आ रही है। पहला कि जब 2020 में R15 V3 का BS6 मॉडल लॉन्च होगा तो उसमें से 1 BHP पावर कम हो जाएगा। मतलब अभी आपको 19 BHP मिलता है तो अब आपको 18 BHP मिलेगा और BS6 के आने से R15 का प्राइस भी बढ़ जाएगा और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बाइक को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी सेलिंग्स को बचाने के लिए यामाहा कंपनी R125 को लॉन्च कर सकती है। और दूसरा कारण ये भी है कि अब इंडिया में 125cc का कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि KTM ने अपनी RC125 भी लॉन्च कर दी है और Duke 125 भी लॉन्च कर दी है। इसलिए इन दोनों ही बाइक्स को टक्कर देने के लिए यामाहा कंपनी R125 को लॉन्च कर देगी। और दोस्तों, ये बात तो पक्की है कि अगर यामाहा R125 आएगी तो RC125 की सेलिंग्स में डिक्रीजमेंट आएगा, क्योंकि दोनों ही बाइक्स फुली फेयर्ड है और RC125 का प्राइस भी अराउंड 1.5 लाख है, जो कि 125cc के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर यामाहा अपनी R125 को लॉन्च कम प्राइस में कर देगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बाइक को खरीदें। बाकी दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए कि आप यामाहा R125 को लेना पसंद करोगे कि नहीं। दोस्तों, लुक्स और डिज़ाइन में आपको बिल्कुल भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। सेम R15 V3 के लुक्स में यामाहा R125 आएगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यही डिज़ाइन बाइक को काफ़ी मस्कुलर और स्पोर्टी लुक देता है। और अगर इंजन की बात की जाए तो इसमें आपको मिलेगा 124.6cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक SOHC 4-वाल्व लिक्विड कूल्ड इंजन, जिसमें आपको मैक्सिमम पावर मिलेगी 15 bhp एट 9000 rpm पर और मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा 12.2 न्यूटन मीटर एट 8000 rpm पर। अब दोस्तों, छोटे मोटे चेंजेस आपको यहां देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि यूरोप में इस बाइक में USD फोक सस्पेंशन आते हैं, लेकिन इंडिया में आपको नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे। हालांकि डुअल चैनल ABS भी इस बाइक में दिया गया है, लेकिन वो सिर्फ यूरोपियन कंट्री के लिए है और मुझे नहीं लगता कि इंडिया में इस बाइक पर डुअल चैनल ABS आएगा, क्योंकि कम से कम प्राइस रखने के लिए यामाहा कंपनी इसमें डिस्क और कॉम्बी ब्रेकिंग टाइप सिस्टम दे सकती है। और अगर ये बाइक आएगी तो स्टूडेंट्स और कॉलेज वाले बंदों के लिए ये बाइक काफ़ी अच्छी रहेगी। तो उम्मीद है कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसी ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। अभी के लिए थैंक्स।